या अल्लाह, कब मेरा लाल हंसी खुशी घर वापस आएगा, कब मेरी तरसती हुई आंखें अपने यूसुफ का दीदार करेंगी। बेगम, बेगम देखो ये तार आया है। खैरियत तो है, कहां से आया है? तुम्हारे भाई सफर का। वो हमारे बेटे यूसुफ को कल सुबह 9 बजे की गाड़ी से यहाँ छोड़ने आ रहे हैं। 9 बजे? हाँ हाँ 9 बजे। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। बेगम तुम जानती हो इससे पहले हमारे 3 चिराग बुझ चुके हैं, अब अल्लाह ताला ने हमारे इस बेटे की जान बख्श दी है और तुम रो रही हो। ये खुशी के आंसू है नवाब साहब। पैदा होते मेरा जिगर का टुकड़ा 3 साल के लिए मुझसे जुदा कर दिया गया ताकि वो जिंदा रह सके, और ये 3 साल मैंने पहाड़ जैसे काटे हैं। कल जब मैं अपने यूसुफ को पहली बार देखूंगी वो मुझे माँ कहकर पुकारेगा तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। बेगम साहिबा, पागल होने से पहले अपने बेटे के इस्तकबाल का भी तो बंदोबस्त कर लो। मैं इस घर के कोने कोने को सजा दूंगी, इस घर का मालिक आ रहा है। रमजू, अरे और रमजू, अरे कहाँ है? मैं नवाब जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। कौन? खान बहादुर। हाँ, कोई खबर मिली कि यूसुफ कब आ रहा है? कल 9 बजे गाड़ी से। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक हो। मुझसे ज्यादा तुम मुबारक के हकदार हो। यूसुफ तुम्हारा ही दामाद बनने वाला है ना? अपना वायदा याद है? तुम ही ने तो कहा था जमीला बेटी की शादी यूसुफ से कर दूंगा। जरूर जरूर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। क्या? हमारा इस वादे का पता बच्चों को उस वक्त तक न चले जब तक कि वो जवान न हो जाए, वरना उनके आपस में उठने बैठने फर्क आ जाएगा और ठीक तौर पर सोच भी न सकेंगे। तो मैं भी वादा करता हूँ कि बच्चों के जवान होने तक उनको किसी बात का पता न चलेगा। हाँ, तुम ही तो कह रहे थे कि चौधरी साहब यूसुफ के लिए एक आया भेज रहे हैं। कहाँ है वो आया? क्या खत आया है? कल तक आ जाएगी? अगर नहीं आई तो कोई दूसरी आया का इंतजाम करना होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। गाड़ी जा रही है बाबूजी, जरा जल्दी टिकट दे दीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी गाड़ी 4 घंटे लेट है, ये लो टिकट, आराम से जाकर मुसाफिर खाने में बैठो। 4 घंटे लेट? कानपुर है। अच्छा, ये लो भाई। एक नागपुर भेजिए। देते हैं भाई। तो गाड़ी आने वाली। ये लो भाई। एक प्याले चाय देना। मैं कह रहा था तो उधर तो नवाब साहब यूसुफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इधर कमबख्त गाड़ी 4 घंटे लेट हो गई। पता होता तो घर से 4 घंटे लेट निकलते। अजी इतनी अकल होती तो और चाहिए क्या था? सच कहते हैं अकल बड़ी के भैंस। भैंस। मुझे भी भूख लगी है। जरा ठहर। बेगम, यूसुफ अपने माँ बाप के घर जा रहा है, जरा इसके कपड़े तो बदल देती। बदल दूंगी, गाड़ी में बदल दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे कुछ खाने को दो। बिस्किट खाओगे? वो बेगम जरा बैग में से 2 बिस्कुट तो निकाल दो। इस मुए को तो 24 घंटे भूख लगी रहती है। शुक्र करूंगी जब तुम इसे अपनी बहन के हवाले करोगे, मेरी जान छूटेगी। चुरे मुए, तुझे भूख लगी है? नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं। नहीं तो सो जा। सो जाता हूँ। जरा तू बिस्किट दे देती तो क्या है? तुम चुप रहो। गाड़ी का लेट होना भी क्या मुसीबत है। सो जा बेटा। मत रो, मत रो बेटा, मत रो। माफ करना, मुझसे गलती हुई। कोई बात नहीं, कोई बात। डबल रोटी बिस्किट, डबल रोटी बिस्किट। देखो बिस्कुट खाओगे? खाओगे ना? एक बिस्कुट वाले। डबल रोटी बिस्किट। देखो बिस्कुट बना दे, खाओगे ना? हाँ, क्या चाहिए भाई? दो, एक आने के बिस्कुट दो। ये लो, लो बेटा। कितनी अच्छी है। भूख नहीं है। भूख नहीं तो सोते मरते क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आती। ठहर जा, मैं सुलाती हूँ।
देखती हूँ तुझे नींद कैसे नहीं आती। अब आ जाएगी, मैं सो जाता हूँ। ये आपका बेटा है? नहीं जी, ये इनकी बहन का है। हमारा बेटा तो ये है शेखू। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। मेरा चांद भी इतना ही बड़ा था, मगर जी भर के मैं उसे प्यार भी ना कर सकी कि अल्लाह ने छीन लिया। बहन, ये दौलत बड़े नसीब वालों को मिलती है, इन्हें प्यार से रखना चाहिए। सबको अपना बच्चा प्यारा होता है, मगर मैंने तो इस मुए को अपने बच्चे के मुंह से छीन कर खिलाया पिलाया है। यूं ना कहो बेगम, इसके माँ बाप हमें 300 रुपए माहवार देते रहे हैं। तो क्या हुआ, 300 रुपए माहवार देके हमने कौन सा बंगला बना लिया, इसे ही तो खिलाते रहे। बेगम खुदा के लिए ज्यादा बातें छोड़ो, मेरा मतलब है दूसरों को तंग ना करो। अच्छा अच्छा, उठो उठो उठो, इसे लोग उठो, बातें बनाते रहते हैं बैठ के। तुम कौन सी गाड़ी से जा रही हो? मेरी गाड़ी 4 घंटे लेट आ। हम भी उसी गाड़ी से जा रहे हैं। तो फिर सो जाओ, हम जगा देंगे। जी शुक्रिया। जब जगह है तो आराम करने में क्या हर्ज है। अच्छा बेगम, अब तुम भी आराम कर लो। वो तो अगले जहान में जाकर करूंगी, जब तुमसे छुटकारा मिलेगा। हाय हाय, यूं ना कहो बेगम, तुम्हारे बगैर मैं किस काम का। तुम्हें मेरी परवाही क्या है, खैर मैं तो उम्र रोध होके गुजार ही लूंगी, मगर मुझे इस बात का गम है कि हमारा बेटा शेखू जब बड़ा होगा तो क्या करेगा। यूसुफ के नाम तो बाप की लाखों रुपए की जायदाद है, और जब खान बहादुर की बेटी जमीला से उसकी शादी हो जाएगी तो करोड़पति बन जाएगा। हमारे बेटे के नाम क्या है, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे कर्जे, दर दर की ठोकरें। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेगम। तुमने आज तक किया ही क्या है जो अब करोगे। यूसुफ को तो उठा दो। इसे सुया नहीं दो, जल्दी से भाग चलो, अब हमारा शेखू यूसुफ बनेगा। चलो चलो जल्दी चलो। क्या कह रही हो बेगम? बहुत ज्यादा बहस मत करो वरना मौका हाथ से चला जाएगा, जल्दी चलो ना। कह रही बेगम, ओफो चलो बेगम। क्या सोच रही हो? सोच रहा हूँ कि मेरी बहन की औलाद उनके पास रहकर 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहती। पीर साहब के कहने पर उन्होंने यूसुफ को इन 3 सालों के लिए हमारे पास भेज तो दिया, मगर क्या यूसुफ बच तो गया और कितनी शान से जा रहा है। अगर नवाब साहब ये पूछ बैठे कि हमारा बेटा शेखू कहाँ है तो क्या जवाब दे? कह देंगे उसे घर छोड़ा है, बाद में खत लिख देंगे कि मर गया, और फिर हम भी आकर नवाब साहब के घर बड़े ठाट से रहेंगे, जहाँ हमारा बेटा वहाँ हम। क्यों, कैसी रहेगी ये चाल? आए बड़ी जालिम। आखिर बेटी किस बाप की हूँ? जरूर कोई चीनी होगा। भाभी जान, आप शेखू को क्यों नहीं लाए? शेखू तो मैं हूँ माँ। अरे तू ही शेखू है। अभी तक इन दोनों को ये नहीं पता कि शेखू कौन है और यूसुफ कौन है। हाँ बेगम, जब तुमने ही दोनों में फर्क नहीं समझा तो इन्हें कैसे पता लगे? हाँ, मेरे लिए तो ये दोनों ही मेरी दो आंखें हैं। क्यों नहीं? भाभी जान, इसे मुझे दीजिए, आप दोनों जाकर नाश्ता करिए। हाँ। हाँ। जी शुक्रिया। आओ बेगम आओ। हाँ, नहीं बेटा नहीं, देखो किसकी चिट्ठी है ये? आया आई है। रमजू, उस औरत को अंदर भेज दो। अच्छा हुजूर। देखा बेगम, अपने आप सब चीजें ठीक हो रही हैं। हमारा बेटा भी सही सलामत पहुंच गया और उसके लिए आया भी आ गई। क्यों ना हो, सच कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान सो कुल मेहरबान। अंदर सलाम। सलाम। सलाम बेगम साहिबा। सलाम। बेटा तुम भी सलाम करो। सलाम। सलाम बेगम साहिबा को भी।
बेगम साहिबा सलाम। जीते रहो बेटा, कितना प्यारा बच्चा है, मगर बेचारा आफत का मारा है। ये भी तुम्हारे साथ रहेगा? जी 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 नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ना रो बेटा, आया इसे बाहर ले जाओ, हम अभी बताते हैं। जी अच्छा चलो बेटा। अगर हमने इस आया को रख लिया तो एक तकलीफ होगी। मैं भी यही सोच रही, इसके साथ तो अपना बच्चा है, फिर ये हमारे बच्चे को कैसे पाल सकेगी। मैं ये भी नहीं चाहती कि बेटा अपनी माँ से जुदा रहे, इससे बेहतर तो ये है कि हम इसे जवाब दे दें। ठीक है, तुम जाकर कह दो। बहुत अच्छा, छोड़ दो इसे, ये हमारा नहीं है, रखो। कोई बात नहीं, लेने दो। हम आ जाएं? क्या जवाब दो? देखो आया, तुम वक्त पर नहीं पहुंची इसलिए मजबूरन दूसरी आया का इंतजाम कर लिया है। तो मुझे कोई और नौकरी दे दीजिए इस बच्चे की खातिर, ये बेचारा। हाँ हाँ समझती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, फिलहाल और कोई नौकरी नहीं। ये लो 10 रुपए तुम्हारे आने जाने का खर्चा, और ये 2 रुपया और लो, बच्चे को कुर्ता सिला देना। जाओ बेटे। हमको रख लीजिए ना। अंदर मेरा बच्चा रो रहा है, अब तुम जाओ। आओ बेटा। अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ अल्लाह को मंजूर हो। तो फिर चलो। चलो। कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। साथी न कोई सहारा, कोई मंजिल न कोई किनारा, रुक गए जिस जगह दिल ने रोका, चल दिए जिस तरफ दिल पुकारा। हम प्यार के प्यासे लोगों की, हम प्यार के प्यासे लोगों की, मंजिल का इशारा, दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। हार मानी नहीं जिंदगी से, हंस के मिलते रहे हर किसी से, क्यों ना इस दिल पे कुर्बान जाए, सह लिए जिसने गम भी खुशी से। सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, दुख से जो न हारा, दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है।
अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा। दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमें हमारा। दिल ही तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा। दिल ही तो है बेटा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम भी अपने बाप की तरह गलियों की खाक छानते और इतनी बड़ी जायदाद के मालिक ना होते। अब तुम जमीला के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो और उससे शादी करके खान बहादुर की सारी जायदाद अपने हाथ में करो। अम्मी जान, अब ना जमीला हाथ से जा सकती है और ना ये जायदाद। मेरे दोस्त अशोक की बहन पुष्पा है ना, उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं माँ? खाली हाथ कैसे जाऊँ, कोई ना कोई प्रेजेंट तो ले जाना ही होगा ना। ठहरो, मेरे पास 5 रुपए हैं, वही ला देती हूँ। तो जल्दी करो माँ, पार्टी का वक्त हो रहा है। अच्छा लो, लो बेटा लो, अभी आई। पुष्पा, क्या चांद साहब भी आ रहे हैं पार्टी में? हाँ जमीला, अशोक भैया ने इनवाइट तो किया है। सच? हाँ, तब तो मैं जरूर चलूंगी। क्यों? चांद साहब मेरे फेवरेट सिंगर है, जब भी रेडियो पर उनका नाम आता है मैं सब काम छोड़कर उनका गाना सुनती हूँ। सचमुच पुष्पा, क्या सोज है उनकी आवाज में और क्या दर्द है तुम्हारे दिल में। मुझे कहती हो मेरी खातिर नहीं, चांद साहब की खातिर चलेंगे। अभी तक तो उनकी शक्ल सूरत नहीं देखी और तुम्हारा ये हाल, जब देख लोगी तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, मोहब्बत तुम करो और इल्जाम खुदा को दो। जाओ जल्दी करो, कितनी अजीब बात है, आज मेरी ही बर्थडे पार्टी है और मैं यहाँ हूँ, लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? यही हैप्पी बर्थडे टू यू लोग तो कहेंगे, मगर मुझे डर है चांद को देखने के बाद तुम ये कहना भी ना भूल जाओ। आओ मेरे साथ। पुष्पा तुम चलो, मैं रीटा और जरीना को साथ लेकर आती हूँ। श्योर, डेफिनेट, ओके। बिया, क्या है गुल्ला? टेलीफोन आया है। किसका? यूसुफ मियाँ का। रुजिया, मेरी रुजिया, मेरी टेलीफोन। अरे किसी का टेलीफोन है? माफ करना साहब। रजिया, प्यारी रजिया, तुम्हारी चिट्ठी मिली, हमारी शादी क्या हुई, एक रात भी न मिल पाए। न तेरा बाप तुझे मेरे पास आने देता है, न मेरा चाचा मुझे तेरे पास जाने देता है। प्यारी रजिया, मैं कल जरूर आऊंगा, चाहे जमीन गिर जाए, आसमान फट जाए। मेरा मतलब है कि आसमान गिर जाए और जमीन फट जाए। इडियट कहीं का। अच्छा लो, इडियट तेरा बाप ही। चाहे तुम्हारा बाप कहे कि तुम बेहया बेशरम गधे हो। शट अप, शट अप, ओहो शट अप, यू शट अप बेशरम। हेलो, बेहया तुम हो, बेशरम तुम हो, गधे तुम हो। बड़े बदतमीज हो, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं खान बहादुर बोल रहा हूँ। खान अब्बा खान, मेरा मतलब अब्बा जान, माफ करना, मुझे पहले टेलीफोन पर किसी ने बहुत गालियां दी थी। जी हाँ। कौन? यूसुफ बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें गलत नंबर मिल गया होगा। हाँ कहो, क्या बात है? जी, मैं पार्टी पर जा रहा था, सोचा जमीला को भी साथ लेता जाऊं, अगर तकलीफ ना हो तो जरा उसे टेलीफोन पर बुला दीजिए। यूसुफ, जमीला अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, आते वक्त उसे अपने साथ लेते आना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर। अस्सलाम वालेकुम।
जरा आहिस्ता चलो जमीला, हम भी तो पुष्पा के यहाँ जा रहे हैं। सॉरी सॉरी इसीलिए तो कह रही हूँ कि जरा आहिस्ता चलो। जरीना अगर आहिस्ता चलूंगी तो ना ही पुष्पा के लिए प्रेजेंट खरीद सकूंगी और ना ही अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुन सकूंगी। जमीला who's your favorite singer? चांद जी। क्यों मिस्टर, अपना रास्ता देखिए, मुड़-मुड़ के क्या देख रहे हैं? अपने चाहने वालों को देख रहा हूँ। बहुत खूब, कभी आईना देखा है? क्यों, आपके चांद से तो ज्यादा खूबसूरत हूँ। क्या कहने हैं आपकी खूबसूरती के, जरा मुंह छुपा कर चलिए, किसी कलंदर ने देख लिया तो बंदर समझ कर उठा ले जाएगा। अजय आपके होते हुए हमें कौन ले जाएगा। जमीला छोड़ो इसे, लोफरों के मुंह लगना अच्छा नहीं, चलो। फरमाइए, कोई बटवा दिखाइए। जब मेम साहब है तो आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप तशरीफ रखिए। हमारा पीछा कर रहा है। यस, दूसरा दुकान पे जाएंगा। क्यों डरती क्यों हो, वो क्या कर लेगा हमारा? लीजिए मेम साहब बटवे। क्या कीमत है इसकी? जी सिर्फ 40 रुपए, मॉडर्न पर्स है मेरा। अजी कोई सस्ता दिखाइए ना। आप सस्ता मांगते हैं, मेम साहब स्टाइलिश चीज मांगती हैं। मेम साहब बड़े घराने की हैं, मैं छोटे घराने का हूँ। जी मेरा मेरी वाइफ का भी यही हाल है। What nonsense? क्यों मेम साहब क्या हुआ? ये मुझसे लड़ी हुई है जी। लड़ाई तो हर मियाँ बीवी हुआ करती, मगर उसके बाद प्यार का बहुत मजा आता है। I am not his wife. देख लीजिए बात कहाँ तक आ पहुँची। जाने भी दीजिए साहब, मुंह से मेम साहब चाहे कुछ भी कहें मगर उनके दिल में आपके लिए इज्जत है, और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते का कौन तोड़ सकता है? Shut up! Let's go, Rita. चलो चले। ये पर्स तो लेती जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। As you please. आप ही ले लीजिए साहब। जी जी हाँ, मुझे तो कोई 5 रुपए वाला हो तो दिखाइए। जी 5 रुपए का पर्स कोई दुकान में नहीं है, उससे ज्यादा पैसे तो मेरी जेब में है ही नहीं। आप अपनी जेब में को रखा कीजिए साहब। ये रुमाल शायद आपकी बीवी का रह गया है। जी हाँ चलिए, हमारी जेब के लिए यही अच्छा है। जी हाँ अच्छा है ना। क्या किस्मत में घात मिलते हैं हमें भी। जमीला हैप्पी बर्थडे पुष्पा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। अरे जमीला, मैं तुम सबका कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या करूं, रास्ते में एक लोफर भूत की तरह पीछे पड़ गया, मुश्किल से पीछा छुड़ा के यहाँ पहुंची। अच्छा ये बताओ, चांद साहब का भी गाना तो नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं, बड़े आदमी हमेशा देर से आते। चलो वाह भाई वाह, इतनी देर कहाँ लगा दी हा? क्या बताऊं अशोक, रास्ते में एक शरीफ जादी से टक्कर हो गई थी, खामखा गालियां खानी पड़ी। अरे जरीना मैं देखा जमीला, फिर वही भूत। हाँ तो ये हजरत यहाँ भी आ पहुंचे। जमीला तुम यहाँ आकर बैठो। यहाँ बैठो। क्या हुआ जमीला? अच्छा जमीला तुम यहाँ आकर बैठ गई हो, चलो तुम्हें मुनासिब जगह पर ले चलती हूँ। मैं यही ठीक हूँ, तुम चलो तो। सुनिए सुनिए, क्या कर रही हो पुष्पा? अब किसी की कुछ सुना नहीं। अब मेरी सहेली जमीला बानो आपको कुछ सुनाएगी। जरूर जरूर शौक से। चंद शेर अर्ज करती हूँ। अरशाद अरशाद। आप इश्क की तहजीब से आगाह नहीं, आप इश्क की तहजीब से आगाह नहीं, आपसे मेल बढ़ाने की हमें चाहिए। लाहौल मिला।
शेर क्या है, खंजर है खंजर। हाय 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 हाय। शेर मुलाहिजा हो। फरमाइए फरमाइए। आपसे प्यार करे कोई, आपसे प्यार करे कोई तो क्यों प्यार करे। आपकी शक्ल तो क्या बात भी दिल ख्वाह नहीं। मुकरर मुकरर वाह क्या कहने। बड़ी तारीफ हो रही है जमील साहब, ये फूल हमारी तरफ से। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब मैं चांद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी कुछ ना कुछ सुनाए। चांद साहब के मुतालिक कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनकी आवाज में जो सोज और जादू है वो शायद ही किसी और की आवाज में हो। आइए चांद साहब। जमीला बानो के निहायत ही प्यारे शेर सुनकर मुझे भी एक गाना याद आ गया है, वही सुना देता हूं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो।
मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। माफ कीजिए मुझे कुछ गलत फहमी हुई। जमीला ये लो अपना पर्स। शुक्रिया। अरे क्या खो गया जमीला? कुछ नहीं। जो आप खो बैठी थी वो हाजिर है, मगर जो हम खो बैठे हैं वो शायद हमें कभी वापस ना मिले। आप क्या खो बैठे? कह दूं तो मुश्किल होगी जी। कहो यार आजकल कहाँ रहते हो, कभी रेस्टोरेंट में नहीं आते? आजकल यारों का पता पिकनिक स्पॉट बेंच नंबर 9, बस वहीं छक मारता रहता हूँ। क्यों आजकल कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं है क्या? क्या बताऊं प्यारे, जब दुनिया में कोई कदरदान ही नहीं रहा तो ट्यूशन कौन देगा हमें। जमीला कैसा था चांद साहब का गाना? जी कैसा था चांद साहब का गाना? कह दूं तो मुश्किल होगी। मुश्किल होगी क्या मुश्किल होगी? मेरे साहब आलम तस्लीम, तो रजिया की चिट्ठी मालूम होती है। बशीर, ओ बशीर। आया चचा जान। चचा जान रजिया मेरी बीवी है, अगर आज मेरी चची जिंदा होती तो आप मेरा दर्द जानते। बक बक मत करो, ये सब तुम्हारे ससुर की बेईमानी का नतीजा है, जिसे मैंने यतीम खाना फंड कमेटी का खजानची बनाया, पूरे 5,000 रुपए खा किया। कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा ससुर 5,000 रुपए वापस नहीं देगा उस वक्त तक न रजिया इस घर में आ सकती है न तुम उसके यहाँ जा सकते हो। चचा जान अगर रजिया रास्ते में मिल गई तो? चुप रहो। चची तस्लीम जीती रहो बेटी। रजिया बहन किराया लेने आई हूँ, माँ ने मुझे बताया कि पहले तुम्हारे अब्बा जान भी आए थे। हाँ भाईजान, उन्होंने फिर भेजा है। तुम अब्बा जान से कहो कि 1 महीना और रुक जाए, मैं मजदूरी करके भी किराया दे दूंगा। हाँ बेटी जरूर दे देंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। नहीं चची मैं अभी पीकर आई हूँ। आओ बैठो इधर। अब ये बताओ हमारे जीजा बशीर मियाँ का क्या हाल है? भाईजान क्या बताऊं, शादी के बाद हम तो परदेसी हो गए हैं। तब तो बशीर मियाँ जुदाई में तड़प रहे होंगे। व्यक्ति ये पत्थर कौन मार रहा? कौन है? कौन है? किसको? अरे वो मेरी माशूक को, मेरी बीवी को बुला। ये लो बेटी चाय पी लो। रजिया बाहर तुम्हारी अम्मी जान तुम्हें बुला रही है। मेरी अम्मी? हाँ। फिर इसकी अम्मी आई है ना अम्मी। मेरी अनारकली, मेरी साहिब रानी, मेरी प्यारी रजिया। क्या मस्त आवाज पाई जमीला, तुम भी गाना सीखो। अगर अब्बा जान इजाजत दे तो तुमसे मैं किस बात की इजाजत चाहती बेटी? गाना सीखने की अब्बा जान। जमीला पहले भी तुमने एक ट्यूटर रखा था और कुछ दिनों के बाद उसे जवाब देना पड़ा, अगर वैसे ही करना है तो क्या फायदा? नहीं अब्बा जान अब मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं, मैं दिल लगा कर सीखूंगी। अच्छा तो हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। यूसुफ जी हम जश्न वसीखे पे जा रहे हैं, तुम जमीला को लेके वहां पहुंच जाना। बहुत अच्छा।
अब आप किसी तरह से चांद साहब को बुलवाइए, मैं उनसे गाना सीखूंगी। चांद? कौन चांद? वही। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी लाहौल विलाकोर, क्या तुम लगा रखी है? ये भी कोई गाना है? लानत, मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन उस्ताद देख कर लाऊंगा। मैं चांद से ही गाना सीखूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, आओ चलें। मैं नहीं जाऊंगी। देखो जमीला, मैं अगर चांद से बेहतर उस्ताद तुम्हारे लिए ढूंढ कर ना लाया तो तुम मेरे मुंह पर थूक देना। ये कोई नई बात नहीं है। जमीला, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बशीर मियां, गजब हो गया, गजब हो गया। खान साहब का गाना सुनने के लिए लोग अंदर शोर मचा रहे हैं, कहाँ गए वो? अरे वो मर गए खान साहब। कहाँ गए वो? देख उनका टेलीग्राम आया है, वो नहीं आ रहे। अरे अब उनकी जगह कौन गाना गाएगा? अगर लोगों को पता चल गया तो लोग कुर्सियां तोड़ देंगे, पर्दे फाड़ देंगे। अरे भाई साहब, थोड़ी देर के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करो, उनको समझाओ, कहना शो होगा, जरूर होगा। जाओ जाओ, चली जाओ। अरे खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मुसीबत डाल दी यार। इतनी देर, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ? मेरे लिए इतनी बेकार क्यों? कुछ बात ही ऐसी है। क्या हुआ? सुनो। हाँ नहीं नहीं बशीर, ये कैसे हो सकता है? ये काम मैं नहीं कर सकता। चांद ऐसा मत नहीं, कहो। नहीं बशीर, ये चांद ऐसा मत कहो। अरे ये शो मैं यतीम खाने के लिए कर रहा हूँ, अगर ये शो नहीं हुआ तो लोग मुझे मार डालेंगे और तुम्हारी बहन रजिया बेवा हो जाएगी। नहीं बशीर, ये नहीं हो सकता। मैं चांद मान जाओ, मुझसे नहीं होगा बशीर। खुदा के लिए मान जाओ, मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता रहिए। खान साहब तशरीफ ले आए हैं, अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। खान साहब तशरीफ लाइए। खामोश 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 भाइयों, खामोश, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। दोस्तों, हमारे खान साहब का ये चैलेंज है कि कोई भी नर्तकी खान साहब के बोलों का मतलब अपने नृत्य से बयान कर दे तो खान साहब उम्र भर तक उस नर्तकी की सेवा करेंगे मुफ्त में। क्यों खान साहब? खान साहब चलिए चलिए चलिए। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? घर जाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे? घर जाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आ
आके भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। Din tana na dir da tanu, tana dere na din tana na dir da tanu, tana dere na din tana na dir da tanu, tana dere na din na dere dere tana dere tana tum dir da dare dare dani, din tana na 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 dir 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 dani 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 dani, din tana na dir da tanu, tana dere na din tana na dir da tanu, tana dere na. सब ससुर न तीन ग्राम बंसी बाजे, रेत सन सन निदा निदा दा पपा ममग मधगम मगर सा, धाधा किरता धाधा किरता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन। झर झन के झन न न न न न न दिन तनु न न न न तन तन न दिन तन न दिग तनु तन न देरे न दिन तन न दिग तन नु तन देरे न दिन तन न दिग तन। Dim tana na dir da tanu, tana dere na dim tana na dir da tanu, tana dere na dim tana na dir da tanu, tana dere na dim tana na dir da tanu, tana dere na dim tana na dir da tanu, dir da tanu, dir da tanu. जी मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम खान साहब को कहें कि वो अपनी जमीला को गाना सिखाएं। ठीक है चलो अंदर चलो। चलिए चलिए। चान साहब आप अब यहाँ से जल्दी रफू चक्कर हो जाइए, देखें मुबारक हो खान साहब आपने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया खान साहब, दुश्मनों की नजर ना लगे, आप तो मौसीकी के शहंशाह हैं शहंशाह। दुश्मनों की नजर क्या लगेगी, वो तो अंधे हैं बरगुरदार, वरना गड़बड़ हो जाती है। चलिए खान साहब। नहीं खान साहब आपका हमारे साथ खाना खाना होगा। माफ कीजिए इस वक्त मैं मजबूर हूँ, फिर कभी सही। हाँ कौन सी मजबूरी? मजबूरी चाचा जान खान साहब के पेट में बहुत बहुत दर्द है। चलो चलो खाना ना सही तो चाय के प्याले में क्या हर्ज है, चलिए। मगर अगर मगर कुछ नहीं आप हमारे साथ बशीर मियां अब तुम ही बचाओ। अरे खान साहब अब अल्लाह को याद करो। चलिए मत ले जाइए मेरी बात। मारे गए आप जरूर मेरी बेटी को गाना सिखाइए। अजी क़िबला जो आप समझ रहे हैं वो हम नहीं है, ये सब मजाक हो रहा है, हमें माफ कीजिए। आपकी चाय पी ली अब हमें इजाजत दीजिए। मान जाइए ना बरखुरदार, तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं मगर ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर आपको टेलीफोन आया। हाँ। यूसुफ जी अब तुम ही खान साहब को मनाओ। अरे हम टेलीफोन सुनकर आते हैं। बोलो खान साहब क्या आप वाकई मेरे लिए जान दे सकते हैं? काम में हो जो पीछे हटे।
बरखुरदार, न जाने तुमसे हमारा प्यार क्यों बढ़ता जा रहा है। ये बात है तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। कहो 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 बेटी कहो। बात दरअसल ये है खान साहब कि खान बहादुर अपनी बेटी जमीला की शादी मुझसे करना चाहते हैं। हाँ, मुबारक हो मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन जमीला नहीं मानती। नादान है, बच्ची है। बच्ची बच्ची नहीं है खान साहब, वो एक शख्स चांद से प्यार करती है जो कि गवैया है। जी जी, करती होगी करती होगी। लाहौल विलाकुबत आगे भी सुनिए। अब वो चांद से मेल मुलाकात बढ़ाने के लिए उससे गाना सीखना चाहती है। आए? जी हाँ खान साहब, अगर चांद इस घर में आ गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। बेशक बेशक, खान बहादुर बहुत मोटी आसामी है। बस अब आप समझ जाइए, मैं आपको माला माल कर दूंगा, और अगर आप ना करेंगे तो मुझे मजबूरन किसी और को बुलाना पड़ेगा, और ये सुनहरी मौका आपके हाथ से जाता रहेगा। बरखुरदार, अब समझ में आ गई बात। तुम चाहते हो कि हम जमीला के दिल में तुम्हारे लिए प्यार का जादू पैदा दें। बस इतनी सी बात है। बरखुरदार, ये बात हो जाएगी। शुक्रिया खान साहब, शुक्रिया। दिल चाहता है कि आपकी दाढ़ी का बोझ। अभी नहीं बरखुरदार, अभी नहीं, पहले हम तुम्हारा काम कर ले फिर बोसा। क्या बरखुरदार, दाढ़ी ले जाना था। जमीला आ गई। आ गई जमीला। जमीला अजीजा। आदाब आदाब। जमीला, ये खान साहब उस्ताद बड़े अली खान, अब्बा जाने नहीं यहाँ लाए। अच्छा, तो ये लड़की हमसे गाना सीखेगी। आओ लाडली, हमारे पास बैठो। अब आओ आओ। मुझे काम है। नहीं जमीला, ये अब्बा जान का हुक्म है, बैठ जाओ खान साहब के पास। आओ आओ आओ। बड़ी शर्मीली है लाडली। डरो नहीं जमीला। फिकर मत करो बरखुरदार, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आगे आगे होंगे, लाडली पीछे, और तुम देखते रह जाओगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर। हाँ तो अजीजा, कौन सा वक्त ठीक होगा जब तुम अकेली हो और हम इत्मीनान से गाना सिखा सके। फिलहाल मेरे पास कोई वक्त नहीं। यूँ तो हमारे पास भी वक्त नहीं है, एक इबादत का वक्त है, वो यहाँ गुजार देंगे, इबादत भी हो जाएगी और काम भी। क्या ख्याल है लाडली? मेरा ख्याल है कि जो वक्त आप गाने में जाया करते हैं, अगर खुदा की इबादत में सर्फ करें तो बहुत जल्दी आपको जन्नत नसीब होगी। क्यों नहीं आए? जमीला, ये क्या कह रही हो? तुम ठहरो यूसुफ मियां, ये तुम्हारी भूल है अजीजा, हमें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती है दुआएं अपने मुंह से ठुमरियां बन। जवाब नहीं खान साहब, जवाब नहीं। क्या आप शेर भी कहते हैं? अजी कभी 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 कभी। बड़ा अच्छा शौक है। अच्छा तो आप हमारी बेटी गाना सिखाएंगे ना? अजी अगर आप ना कहेंगे तो लड़के ये नौकरी लेनी पड़ेगी, इसमें किसी की जिंदगी का सवाल है। जरूर जरूर। बरखुरदार बहुत समझदार है, इसलिए तो हमने घर बाहर कारोबार सब इसे सौंप दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो अब हमें इजाजत दी। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं। अच्छा अजीजा, तस्लीम तस्लीम। आइए। बुढ़ापा न दे किसी को। तुम्हें भी जिद थी कि मुझे चांद से गाना नहीं सीखने दोगे, मुझे भी जिद है इस बुढ़े से कभी नहीं सीखूंगी, देख लेना। चाचा जान, ये शो की कमाई है 5,000 से भी ज्यादा। चाचा जान, चाचा जान, मैं रजिया को ले आऊं। तुम्हारे ससुर की कमाई है क्या? जी हाँ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जाओ उसे बैंक में जमा कराओ। मगर चाचा जान, जाओ। अभी आंखें सिर्फ जमीला ही जमीला देख रही, इन्हें बंद करने वाले दुआ करो ये हाथ हमेशा के लिए इन्हें बंद रखे। हाय अल्लाह, मेरे मुंह में खाक पड़े जो ऐसी दुआ मांगू। तो कौन सी दुआ मांगू? अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। जमीला ये जोड़ी बन सकेगी? जरूर बनेगी, क्यों, तुम्हें क्यों शक हो गया? शक नहीं, शक तो नहीं, सुना है कि कोई और आदमी तुम्हें गाना सिखाता है। क्या करूं, मैंने बहुत जिद की कि तुमसे सीखूं, लेकिन यूसुफ बड़ा चालाक है,
उसने मेरी एक न चलने दी, न जाने उस काट के उल्लू को कहां से पकड़ लाया है। काट का उल्लू? कौन है ये काट का उल्लू? यही कुछ खान साहब, छोटे बड़े अली खान, कुछ ऐसा ही नाम है। अच्छा अच्छा, ये वो आश मिजाज खान साहब यहाँ भी पहुंच गए। बहुत अच्छे, अपना खुदा भी मर नहीं गया। मेरी भी किसी लड़की से बातचीत चल रही है। लड़की कौन है वो? जमीला, वो इतनी हसीन है, अगर काफिर भी उसे देख ले तो खुदा पर ईमान ले आए। क्या? और गुस्सा, तौबा तौबा, खुदा की पनाह है, अगर तिरछी नजर से आईने को देख ले तो आईने में बाल आ जाए। जब तुम एक बुड्ढे से दिल लगा सकते हो, भला मैंने क्या बुरा किया? तुम क्या समझते हो, मैं उस बुड्ढे से प्यार करूंगी जो उम्र में मेरे बाप के बाप से भी बड़ा है? इस दिल का क्या भरोसा जमीला, किसी पर भी आ सकता है। मैं उसे अभी निकलवा देती हूँ। जिस वक्त वो बुड्ढा घर से निकल जाएगा, उस घड़ी से मैं भी उस लड़की से मिलना छोड़ दूंगा। वादा करते हो? तुम्हारी कसम। वो अभी मुझे सिखाने आ रहा है। मैं भी उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ। तो वापस आके मुझसे यही मिल लो। बिल्कुल, यही तुम्हारा इंतजार करूँ। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरी मान, खान साहब बहुत काबिल उस्ताद है, अगर दिल लगाकर उनसे गाना सीखोगी तो एक दिन चांद को भी नीचा दिखाओगी। चांद को नीचा दिखाऊंगी, और वो भी उस बूढ़े से सीखकर जो बिल्कुल कम है। बाजू देखो तो यूं, जैसे इंजन का पिस्टन चल रहा हो। गर्दन देखो तो यूं, जैसे जापानी खिलौने को चाबी दी हो। जिसकी अपनी कोई कल सीधी नहीं, वो मुझे गाना क्या सिखाएगा। लो खान साहब आ गए, आइए आइए खान साहब, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया खान साहब, तशरीफ रखिए खान साहब। बाद में यूसुफ मियां, हमने सब सुन लिया है। खान साहब, यही मैं कहने वाला था कि ये सब बातें सुनकर आप कहीं गुस्से ना हो गए। बात दरअसल ये है कि जमीला दिल की बहुत अच्छी है। क्या कहने, मगर मिजाज की बहुत नाजुक है। माशाल्लाह, इसलिए इससे जरा प्यार से काम। मतलब है सब चढ़ाना, कदर करना है। आप जाएंगे या नहीं? हम चले गए तो हमारी खूबियों को याद करके रोगी अजीजा। वो तो जब से देखा है तब से ही रो रही है। अब आप जाएंगे तो न्याज बांटूंगी। लानत है हमारी जिंदगी पर। अजीजा, एक नजर फिर देखी। उम्र की नहीं तो अपनी दाढ़ी की ही शर्म कीजिए। रुखे पुरनूर पे दाढ़ी के इजाफे को ना देख, मेरे मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को ना देख। बुलाऊं अब्बा जान को, वो ही अच्छी तरह इस लिफाफे को खोलेंगे और मजमून को पढ़ेंगे। गुलनार, क्या बात है जमीला, गुलनार को क्यों बुला रहे? कुछ नहीं, यूसुफ मियां यूं ही एक गिलास पानी मंगवाया था। पानी? रहने दीजिए, रहने दीजिए। लीजिए, बाजा आ गया। अब इसे वापस भिजवा दीजिए। मगर क्यों? मैं पिकनिक पर जा रही हूँ। कहाँ पर? पूछने से आपका मतलब? बिगड़ो नहीं अजीजा, हम इस शहर से नावाकिफ हैं यूसुफ मियां, बस इसलिए पूछ बैठे। अगर पूछ बैठे तो सुन भी लीजिए। आप रेलवे लाइन का फाटक तो जानते होंगे, जहाँ हर मिनट के बाद गाड़ी गुजरती है। तो बस आप वहाँ लाइन के ऊपर आकर खड़े हो जाइए। देख लिया यूसुफ मियां, अजीजा हमें गाड़ी के नीचे लाके मार डालना चाहती हैं। ठीक है। अभी जाओगे जी नहीं लगता, अभी जाओगे जी। है? अजीजा, तुमने याद किया, हम आ गए। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अजीजा, हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए, हमारा हाथ थाम लो, लो। इसे चक्की के नीचे रख लीजिए। हाय 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 हाय, इतनी पत्थर दिल ना बनो अजीजा, जिंदगी में किसी का हाथ तो थामोगी, फिर ये हाथ क्या बुरा है, इसे ही थाम लो, थाम लो। या अल्लाह, इस बूढ़े को अकल नहीं देता तो मुझे ही मौत दे दे। हाय हाय हाय। जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना।
गुस्से में जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। तस्वीर बना ले हम, तस्वीर बना ले हम, इन गर्म निगाहों को सीने से लगा ले हम, सीने से लगा ले हम, पल भर इसी आलम में, पल भर इसी आलम में है जाने अदा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। बिखरी हुई जुल्फें, ये बिखरी हुई जुल्फें, ये बढ़ती हुई धड़कन, ये चढ़ती हुई सांसें, ये चढ़ती हुई सांसें, सामाने कजा हो तुम, सामाने कजा हो तुम, सामाने कजा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। पहुंचते तो मैं डूब जाती चांद, मैं अब्बा जान से कहूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई। सिर्फ कहने से क्या होगा, कोई इनाम दिलवाऊं ना? क्या चाहते हो तुम्हें? कहीं बुड्ढा सुन ना ले। उस बुड्ढे को तो मैं जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं जाने दो, बेचारे दिल का अच्छा है, बुढ़ापे ने उसका दिमाग फेर दिया है। ये बात है, उस बुड्ढे के लिए भी दिल धड़कने लगा है। देखो चांद, फिर ऐसी बात करोगे तो फिर डूब जाऊंगी। मैं फिर बचा लूंगा। अल्लाह कसम, जब पहली बार स्टेज पर तुम्हारी हमारी आंख लड़ी थी, हम तो वहीं शहीद हो गए थे। वाकई तुम बहार बनकर हमारी जिंदगी में आई हो। मगर इस बहार को तो हमेशा खिजा का डर रहता है। अब डरो नहीं बहार, मैं वादा करता हूँ अल्लाह कसम कि तुम्हें जल्द से जल्द दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। बिल्कुल सच। बस जल्दी, कल फिर हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? हजूर, आपसे कहा था ना आपका काम बना दी, भाई आपको सरांखों पर बिठाएंगे। आइए ये लो, तुम दोनों बांट लो। ये भी ले लो।
क्या जमाना आया है, शागिर्द उस्ताद से ये भी नहीं कहता कि तशरीफ रखिए। अजीजा, थे वो भी दिन के खिदमते उस्ताद के इवज, दिल चाहता था हदियाए दिल पेश कीजिए। अजी दिल कहाँ, यहाँ तो हमें बैठने को कुर्सी भी पेश नहीं की गई। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ तो अजीजा शुरू। ए मन जो कर पहले जा, हम तुमसे कह रहे हैं अजीजा, बोलो बोलो। जमीला क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, अजीजा सुर लगा रही है। यूसुफ मियां, अगर आप इसी तरह दखल देते रहे तो हम दावे से कह सकते हैं कि लाडली उम्र भर गाना नहीं सीख सकेंगी, लिहाजा बाहर तशरीफ ले जाइए। आप नाराज क्यों होते हैं खान साहब, मैं चला जाता हूँ। शुक्रिया। ये कहने की क्या जरूरत थी, आप सुर लगाते वो अपने आप भाग जाता। है? क्या कहा, तुम समझती हो हमें गाना नहीं आता? हाँ अजीजा, अगर हम गाना नहीं जानते तो ये झुरियां यूं ही नहीं पड़ गई, ये जोड़ यूं ही नहीं ढीले हो गए, गले की ये नसें यूं ही नहीं फूल गई। तानसेन ने अपने गाने से एक मस्त हाथी को रोक दिया था, वल्ला अगर हम चाहें तो अपनी सुरों से एक आइटम बम को हवा में ही रोकते। जी हाँ, कौन है जो हमारे मुकाबले में आए? कभी चांद को सुना है? लाहौल वाला कौन, किस भूत का नाम लिया? मुंह संभाल कर बात कीजिए, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं उस गंवार को अच्छी तरह जानता हूँ जिसे फाका मस्ती से कभी होश ना आया, अपने घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं, अपनी बीमार माँ के लिए दवा तक नहीं खरीद सकता, वो गाना क्या गा सकेगा? अगर वो कुछ भी जानता तो दुनिया उसका ये हाल करे। लाडली, दुनिया में अभी आज के कदरदान हैं, मर नहीं गए। अगर उनका ये हाल है तो कदरदान वाकई मर गए। कहाँ चली? मुझे एक सहेली के यहाँ जाना है। अजीजा थोड़ी सी मश्क और कर लो। नहीं मुझे जल्दी जाना है, आधा वर्ष। आधा वर्ष? चांद साहब घर में हैं? आओ बेटी आओ बैठो। कहाँ से आई हो, चांद से क्या काम है? मैं राय बहादुर ज्वाला प्रसाद जी की लड़की शकुंतला हूँ। चांद साहब ने पिताजी से कुछ रुपए मांगे थे, शायद मकान का किराया देना होगा या आपकी दवा लानी होगी, वो रुपए मैं लेके आई हूँ। लीजिए इन्हें रखो बेटी, तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो चांद को नौकरी मिल गई है। कहाँ? वो एक खान बहादुर साहब की लड़की को गाना सिखाने जाता है। खान बहादुर साहब की लड़की, क्या नाम है उस लड़की का? जमीला। जमीला, अच्छा तो ये बात है। क्यों बेटे क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ। ठहरो, चाय को पीकर जाओ। मैं भी क्या मूर्ख हूँ, राय बहादुर साहब की बेटी घर में आई और मैंने पानी तक नहीं पूछा। मैं फिर कभी आऊंगी माँ जी, और जी भर कर पीऊंगी। अच्छा सलाम अलैकुम। नमस्ते। एक ही बात है बेटी, कितनी प्यारी लड़की है, अल्लाह करे मेरी बहू भी ऐसी आए। जवान हो जाती क्या कैसे ल...
दोनों। मैं इस लिफाफे का मजनून हूँ। क्या मतलब? आय हाय, मालिक बुढ़ापा ना दे। अरे मैं तुम्हारी उल्फत हूँ। उल्फत? उल्फत? कौन उल्फत? अरे पत्थर दिल हो, अपनी उल्फत को भी भूल गए? हम किसी को नहीं जानते, कोई उल्फत उल्फत को नहीं जानते। चलो हटो हटो, छोड़ा हमारा रास्ता। हमें जाने दो बड़ी दी, तुम्हें गलती हो रही है। अरे मुझे कैसे गलती हो सकती है? इन जुल्फों को मैंने कई बार संवारा है। क्या बात है, आज बालों में तंगी नहीं की क्या? अदारा जो तुम समझ रही हो, हम वो नहीं है। अब रहने दीजिए खान साहब, मैंने सारी को अच्छी तरह जाना है। मैंने इसे प्यार किया है, चूमा है। ला एक बार फिर चूमा। मेरी उस्ताद, मैं कह रहा हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। उस्ताद शागिर्द, अब उस्ताद के पांव पड़ो। ये इमाम दो पानों में डाल के इन दोनों को खिला दो। हाँ, और देख ये इतना इतना डालना, इतना इतना, और साथ में थोड़ा मीठा भी डाल देना ताकि पता नहीं चले। और ये लेते रहे इनाम। अभी लो सर। तो मेरे बाएं हाथ का क्या? शाबाश। चले चलो। सरकार पान खाइएगा। नहीं नहीं, हम पान नहीं खा रहे। ये दिलजोड़ पान है साहब, एक दफा खा कर तो देखते हैं, इंसाफ आप पर कुर्बान हो जाएगी। ये बात है। तो लाओ पहले तुम। नहीं नहीं, आपके लिए भी साहब। हाँ, दिलजोड़ पान है ना, ये ले होगा, क्या याद रखेगा। चक्कर आ गए। जमीन घूम रही है ना, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। मुझे चला नहीं जाता। मैं मरा। अब कहाँ जाओगे? बुलाता हूँ अब्बा जान को, दिखाता हूँ ये नाटक, सब मस्ती निकल जाएगी। तुम्हारी मस्त नजर तुम्हारी मस्त नजर गर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती। तुम्हारी मस्त नजर थाम लूं दामन, खफा न हो न अगर बढ़ के थाम लूं दामन, बढ़ के थाम लूं दामन। ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती, ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती। तुम्हारे आने तलक हमको होश रहता है, तुम्हारे आने
नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती। जान, उन दोनों ने नशा किया हुआ था। मेरे हाथ आ जाए तो दोनों की जान खींच लूंगा। आइए ढूंढे, कहाँ चले गए? चलो आगे चलो, पहले आप क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जान, शायद पांव फिसल गया। देख के चलो। जी आप तो देख के चलूंगा। क्या हुआ यूसुफ, तुम्हें क्या हो गया? अब्बा जान, अब्बा जान। चक्कर से आ रहे हैं। मालूम होता उन लोगों ने, नहीं तुमने नशा किया है। चलो वापस, हाँ हाँ वक्त जाया करो, चलो चलिए। ये सब जी, अभी तक तुम्हारे अब्बा जान क्यों नहीं आए? बस आते ही होंगे। वो देखिए आ गए, बड़ी लंबी उम्र है। अरे छोड़ लो, और छोड़ो कहीं पसीना छूट जाए। माशाल्लाह तुम अभी जवान हो, बूढ़े हो गए। अरे यार, दिल जवान हो तो जवानी और बुढ़ापे में फर्क ही क्या है? हम बताते हैं, जवानी और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, वो कश्ती पार होती है, ये पेड़ा अरग। माशाल्लाह खान साहब, आप बड़े जिंदा हैं। नवाब, इनसे मिलो। ये है खान साहब जो जमीला को गाना सिखा। खान साहब, ये है नवाब साहब, यूसुफ मियां के अब्बा जान। अच्छा, परखुरदार के वाले हैं। हाय हाय, ईद मिली है, वाह वाह, आशीर्वाद जी की। हाय हाय, ईद मुबारक। और इधर आओ, तुमसे तो ईद मिलने हम आए हैं। आए आए आए, कुछ नहीं होनी है, कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? आइए मेरे साथ आइए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये सब मियां, हमें महफिल की रौनक नजर नहीं आ रही, हमारी लाडली कहाँ है? जी वो ऊपर के कमरे में अपनी सहेलियों के साथ जश्न ईद मना रही है। तो इस बूढ़े को भी वहीं ले चलो बरखुरदार, हम पहले अपनी लाडली को जश्न ईद की मुबारकबाद दे आए। मैं वहीं तो आपको लेके जा रहा हूँ। ये हुई ना बरखुरदारों की खान साहब, कल मैंने चांद और जमीला को आपस में रंगरलियाँ बनाते देखा। वो कल देखा होगा, कल और आज में बहुत फर्क है यूसुफ मियां। हमने लाडली को ऐसा जीत लिया है कि अब वो तुम्हें सर आंखों पर बैठाएगी। फिर तो दुश्मन को मार दिया। तुम्हारे सर की कसम बरखुरदार, दुश्मन का सर काट देंगे। कोई आ रहा है, मैं देख के आती हूँ। अजीजा हम आ गए। जरे किस्मत, ये तो यूसुफ मियां की मेहरबानी है अजीजा। हमारा शुक्रिया अदा करो जमीला। शुक्रिया जबान से शुक्रिया, दिलों जान से शुक्रिया। देख लिया यूसुफ मियां, देखा हमारा जादू। आपके सामने एक पर्दा था, वरना आपकी पसंद तो लाजवाब। अब तो खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। जी चाहता है कि शर्मा क्यों गई? क्या जी चाहता है कहो ना। कहो कहो अजीजा, कहो कहो, क्या जी चाहता है?
महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान उठाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
करेंगे खान साहब, अभी लिए चलता हूं। ये तो अपने बाएं हाथ का काम है। आइए आइए। हाय री जवानी, हाय हाय ऊपरी जवानी, ऊपरी जवानी। बाहर आज तो खान साहब की ईद बना दो। जहे किस्मत, लीजिए खान साहब। इससे हमारा क्या बनेगा? दोनों गिलास भर दो। आज यूसुफ मियां के साथ मुकाबला हो जाए। क्यों यूसुफ मियां? जरूर जरूर। बाहर ये मुझे दो, तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। अभी लाई। हाँ जल्दी जरा लीजिए। हाँ सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक बरखुरदार, ईद मुबारक। सीना जल गया, देसी मालूम होती है बरखुरदार। हाँ सर, आजकल तो सब जगह ही ऐसा। शादी कर रही हूँ। शादी? हाँ हाँ। बरखुरदार, ये क्या कह रही है? साहब, ये तो बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बच्चे की माँ? बरखुरदार, तो जमीला का क्या होगा? कौन जमीला? साहब आप अम्मा हमारे हाथ मत दबाओ, जब देखो दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, हमें कहने भी तो दो। सच बोलो यूसुफ मियां, जमीला ज्यादा खूबसूरत है या बहार? बरखुरदार, खुदा की कसम, जमीला तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। अरे बहिश्ती हूर है। बता, ये जमीला कौन है? अरे ये खान साहब तो यूं ही ऊं ऊं बोलते रहते हैं। सच बोलो, सच बोलो। जमीला खान साहब की माशूका है। बरखुरदार, तुम्हारे मुंह में जी कर, जी चाहता है तुम्हारी जान चूम लूं। एक बार कहो जमीला हमारी माशूका का नाम। कह तो रहा हूँ खान साहब कि जमीला आप ही की माशूका का नाम है। जमीला हमारी माशूका का नाम है। एक बार फिर कहो यूसुफ। जमीला आप ही की माशूका का नाम है। दिलदार, जब तक हमको नींद ना आए कहते रहो जमीला आप ही की माशूका का नाम है। फिर हमने यूसुफ के साथ तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। अब्बा जान, शर्मा गई है बेटी। हाँ, मगर तुम 15 मई की तारीख पक्की समझो। बिल्कुल पक्की। अच्छा खान बानो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो यूसुफ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। बेटी, अपने बच्चों की शादी के जिम्मेदार माँ बाप ही हुआ करते हैं। तो क्या आप इस बात के भी जिम्मेदार हैं?
कि शादी के बाद यूसुफ की और मेरी निप जाएगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गुस्ताखी माफ, अगर ये जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे ये हक भी मिलना चाहिए कि मैं अपना रफी की जिंदगी खुद चुन सकूं। ये हक हमने आज तक न किसी को दिया है और न ही किसी ने मांगने की जुरत की। बेशतर इसके के हक मांगने वाला जबान खोले, उसे अपना हक मिल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं अब्बा जान। देखो, डरो नहीं, हमसे साफ साफ कह दो, हम तुम्हारे अब्बा जान हैं। अब्बा जान, अब्बा जान, मैं चांद से शादी करना चाहती हूँ। क्या ये वही नौजवान है जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था? हाँ अब्बा जान। फिर तो उसे जरूर मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, बुलाओ चांद को, हम उसे दो बातें करना चाहते हैं। अच्छा अब्बा जान। हाँ हाँ, बुलाओ उसे। बुलार, बुलार। क्या बात है यूसुफ मियां, बेचैन नजर आ रहे? कुछ बात ही ऐसी है खान साहब, जमीला हम दोनों को उल्लू बना रही है, वो अब भी चांद से प्यार करती है। बखुरदार, हमें नहीं तो ये उल्लू बना रही है। तो कुछ कीजिए ना खान साहब, कुछ कीजिए, आप ही मेरी उम्मीद की आखिरी किरण है। घबराओ नहीं यूसुफ मियां, देखते जाओ, ये किरण तुम्हें आफ्ताब बनकर जलवा दिखाएगी। कहाँ है जमीला? चलिए मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। चलिए चलो, बड़ा मुश्किल काम सौंपा है तुमने यूसुफ। अजीजा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज हम तुमसे खास बात करने आए हैं अजीजा। फरमाइए। तशरीफ रखो। इस बदनसीब पे तरस खाओ अजीजा, यूसुफ कहता है तुम चांद से प्यार करती हो। छी 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 छी, ला हल्लू ला, ला हल्लू ला। यूसुफ तुम्हें दिलो जान से चाहता है अजीजा, ये अगर बदमाश, आवारा, कमीना, लुच्चा भी हो तो भी तुम्हें इसकी मोहब्बत पर फूल बरसाने चाहिए, इसकी मोहब्बत की कदर नहीं चाहिए अजीजा। किसी की मोहब्बत की कब्र पर भी फूल चढ़ाना मोहब्बत की कदर करना है, सो मैं कर रही हूँ। सुन लिया आपने खान साहब, अब मैं उस चांद के बच्चे को हरगिज़ नहीं करूँगा। नहीं, ठंडे दिल से काम लो यूसुफ मियां, ये मोहब्बत का मामला है, अगर जूते भी पड़े यूसुफ तो कहना पड़ता है फूल पड़े हैं, फूल पड़े। तो ठीक है खान साहब, लेकिन हर चीज की हद होती है। तुम जरा बाहर जाओ, मैं सब ठीक किए देता हूँ। जाओ 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 ना। अजीजा, यूसुफ मियां जैसा नेक, दयानतदार, खुदा तरस आदमी तुम्हें दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नजर हो गया। क्यों, क्या बात? अंदर चांद ही जमीला से बातें कर रहा है। मालूम होता तुम्हारे होश कायम, तुम ही तो खान साहब को लेकर आए थे, अब चांद अंदर कैसे चला गया? वो मेरी भूल थी अब्बाजान। और ये भी तुम्हारी भूल है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? चलिए चलकर देख लीजिए, अगर वो चांद ना निकला तो जो चोर की सजा वो मेरी। आई आई चलो। कोई आ रहा? फिक्र ना करो, जब कोई आएगा तो गुलमार कह देगी सरकार पान लीजिए, सरकार पान लीजिए। देखिए अजीजा, तुम्हारे अब्बा जान बहुत दूर अंदेश है, तुम अभी बच्ची हो अजीजा, वो जहां भी कहे तुम्हें वही शादी करनी चाहिए। क्या बकवास करते हो, ये तो खास साहब है। अजीजा, अपनी दाढ़ी कौन सा आ गई? अब हमें यकीन हो गया कि तुम अपने हवास खो बैठे हो, पहले अपना इलाज कराओ।
नाम भी ज्यादा डाल रहा है। तो चांदपुर से आ गया। अरे हाँ, कल अब्बा जान ने तुम्हें बुलाया है। सुना हुँ? अब्बा जान ने बुलाया है कल तुम्हें। जरूर आऊंगा। आइए अब्बा जान, आइए, नहीं तो वो भाग जाएगा। चलिए जल्दी से। सरकार पान लीजिए। सरकार पान लीजिए, जाओ जाओ। पहले दिमाग ज्यादा डाल लगे। आइए अब्बा जान, आइए अब्बा जान। अच्छा अजीजा, अब हम जाते हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं, अपने अब्बा जान का कहना जरूर मानना। आप यहाँ देख लिया कौन है? क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं खान साहब, ये बेवकूफ कह रहा था कि अंदर चांद जमीला से बातें कर रहा है। देख लिया, ये चांद है या खान साहब, इनकी दाढ़ी है कि नहीं, देखो। हमारी दाढ़ी पे शक हो रहा है? यूसुफ मियां, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारी दाढ़ी को खींचो खींचो खींचो। किबला आप खींचिए हमारी दाढ़ी को, हम तो ये कहेंगे आप दोनों मिलके एक साथ खींचिए हमारी दाढ़ी को। घर में आए हुए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, एक एक बाल निकाल के हमें सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ माफी मांगो, माफी मांगो, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए यूसुफ। याद रखिएगा, अब हम आपसे माफी के खास्तकार हैं। खान साहब, आप फिर शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अच्छा बरखुरदार। देखिए खान साहब, इस बात को अपने दिल में नहीं रखिएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे दिल में एक अफसोस जरूर रह जाएगा यूसुफ मियां, कि तुम हमारी दाढ़ी खींच के अपने अरमान पूरे ना कर सके, वरना तुम्हें हकीकत नजर आ जाती बरखुरदार। जाने दीजिए खान, जाने दीजिए। तस्लीम, तस्लीम, आपने याद फरमाया। हाँ बैठो। शुक्रिया। जमीला तो नादान है, मगर तुम समझदार मालूम होते हो। हमें यकीन है कि तुम मामले की नजाकत को समझ जाओगे। फरमाइए। जमीला से पता चला है कि तुमने उसकी जान बचाई थी, इस एहसान का बदला चुकाना हमारा फर्ज है। तुम ही बताओ इसकी क्या कीमत चाहते हो? कीमत? हाँ हाँ, 5, 10, 20 हजार रुपए जो मुझसे मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। मगर तुमसे मिन्नत करते हैं कि हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो। खान बहादुर साहब, आपकी दौलत में इतनी गर्मी नहीं जो गरीब की मोहब्बत को पिघला सके। मैं जमीला का हाथ चाहता हूं। अच्छा, तुम्हारा खानदान क्या है? इंसानियत। कोई जायदाद? शराफत। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सिर्फ माँ। तो फिर तुम अपनी औकात को पहचान। अगर जमीन की खाक उड़कर आसमान तक पहुंचना चाहे तो ये उसकी भूल है। मैं आपके पांव की खाक से ही, अगर खुदा ने आपको दौलत दी है तो इस चांदी की लाठी से किसी गरीब का दिल न तोड़िए। तुम्हारे दिल की धड़कनों से ज्यादा प्यारा हमें अपना खानदान है। हम यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी बेटी सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे, मगर यह नहीं देख सकते कि हम एक कंगाल को अपना दामाद बनाए। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। खान बाबर साहब, अगर मेरी और जमीला की मोहब्बत सच्ची है तो यह फैसला आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। आखिर बात क्या है? क्या बात होगी माँ, ये मुसावात और बराबरी का दावा करने वाले मुझसे मेरी जायदाद, मेरा खानदान पूछने लगे। माँ माँ, क्या गरीबी गुनाह है? क्या हम इसलिए पैदा हुए कि हम रुसवा हो, बदनाम हो? हमारे बगैर इस दुनिया में कमी ही क्या थी माँ? बेटा, गरीब तुम नहीं हो, गरीब मैं हूँ। मुझे खान बहादुर साहब का पता दे दो, मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि तुम मेरे बेटे नहीं। नहीं माँ, नहीं, मैं दुनिया भर की गरीबी बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, मगर तुम ये कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हें वहाँ हरगिज़ नहीं जाने दूंगा माँ, हरगिज़ नहीं। बेटी, तुम्हारा ये बदनसीब बाप तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता है, तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता देता है,
और बेटी अपने बाप को उस लाड़ और प्यार का वास्ता देती है जिससे उन्होंने उसको पाला पोसा है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। मालूम होता तुम अपने बाप की इज्जत के खून से अपने हाथों पर सुहाग की मेहंदी लगानी चाहती हो। अच्छा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो खुशी से पूरी कर लो। तुम्हारा ये बाप का तब का मर जाएगा मगर इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। अब्बा जान, अगर आपकी भी यही मर्जी है कि आपकी बेटी शादी के बाद रो रो कर दम तोड़ दे तो बाप के सामने बेटी का सर तस्लीम कम है। जो कुछ भी मैंने कहने की गुस्ताखी की है माफी चाहते, उसके बाद मेरी जुबान तक न खुलेगी। बेटी, हमें अपनी बेटी से ऐसी ही उम्मीद थी। बेटी, हमने जो कुछ भी किया है अच्छा ही किया। बेटी, हम पर भरोसा रखो, हम पर भरोसा रखो, हम पर भरोसा रखो। बेटा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं तो इतनी बेचैन क्यों हो? बेटा तुम अब किसी नौकरी की तलाश करो। नौकरी की फिक्र मत करो पोस्टमैन। लो, शायद रेडियो स्टेशन से चिट्ठी आ गई। नहीं माँ, रेडियो स्टेशन से नहीं। अच्छा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। प्यारे चांद, मेरी किस्मत का फैसला हो गया है। मैं अब्बा जान के हुक्म को नहीं टाल सकती। समझ लो तुमने एक बेवफा से प्यार किया जो मोहब्बत के दामन पर दाग लगा गई। ऐसी बेवफा पर खाक डाल दो, तुम्हारी जमीला मर गई। अब मुझे भूल जा और आइंदा मिलने की कोशिश न करना। बदनसीब जमीला। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। देखो जमीला, हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। ये दावतनामा है, यूसुफ यहां आएगा, तुम उसके साथ चलिए ना। मैं तुम्हारा दोस्त हूं चांद, दुश्मन नहीं। मेरी मानो, काम में दिल लगाओ। अशोक, अब किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। अब तो यही चाहता हूं कि जमीला की याद को लेकर इस दुनिया से किनारा कर जाऊं। अशोक, किनारे की तलाश न करो मेरे दोस्त, तूफान से लड़ो, इसी में जिंदगी है। सुनो, आज शाम को मेरे रेस्टोरेंट में पार्टी है, रेस्टोरेंट का सिंगर छुट्टी पर गया है। मैं तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहा हूं, देखो आना जरूर। एहसास का मारा दिल ही तो है।
को हर दिन से खता हो जाती है, बिगड़ो न उदारा दिल ही तो है, दिल ही तो है। बेदादगरों की ठोकर से, बेदादगरों की ठोकर से सब ख्वाब सुहाने चूर हुए, सब ख्वाब सुहाने चूर हुए। अब दिल का सहारा गम ही, अब गम का सहारा दिल ही तो है, दिल ही तो है। भूले से मोहब्बत कर बैठा नादा था बेचारा, दिल ही तो है। ओ हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा दिल ही तो है, दिल ही तो है। मैं ना जानता था कि तुम भी यहीं आ रही हो। कुछ समझ में नहीं आता तकदीर हमारे साथ क्या खेल खेलना चाहती। पहले खान साहब बनाकर तुम्हारे यहां ले गई, अब यहां खींच लाई है। बेहतर यही होगा कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं। मगर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। कल ठीक 10 बजे मुझे तुम्हारा वहीं इंतजार रहेगा। ठीक 10 बजे चांद, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। दुश्मन मुझे चांद से मारने पर तुले। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो खान साहब के प्रेस में और मुझे यहां से निकाल कर ले चलो। आज रात को 9 बजे मुझे तुम्हारा जमीला चांद, तुम और इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मिजाज शरीफ। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ मियां। बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए, कहाँ से? हम अपने वतन गए हुए थे, आज ही वापस लौटे हैं। हमने कहा घर जाने से पहले अपनी अजीजा को सलाम करते जाएं। और हमारा सलाम लिए बगैर ही आप यहाँ से चले जाइए, कमीने फाजी। इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है, गोली मुझे मारी है। तुझे तो गोली उसी दिन मार देनी चाहिए थी जब तू पैदा हो। जमीला अजय निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। जाओ, छोड़ो मुझे, मैं खुद जा रहा हूं। अल्लाह जब किसी को उसके गुनाहों की सजा देता है तो उसके घर तुझ जैसी बेटी पैदा होती है। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ये दुख देखने से पहले ही मर गई। इससे तो अच्छा था कि अम्मी जान के बदले मेरी मौत आ जाती। जब मेरी किस्मत में ये दिन देखना लिखा था तो तुझे मौत कैसे आती? यूसुफ जी, मैं अभी फरीदा को टेलीफोन करता हूँ कि वो फौरन तुम्हारी शादी का इंतजाम करे और तुम उस बदमाश को घर से नहीं बल्कि शहर से निकलवा दो। मैं इस फितने को और ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। बहुत अच्छा अब्बाजान, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चिप्पे असली लेबल लगाने की कोशिश कर रहा है। हम छोटा मुंह बड़ी बात नहीं चाहते, और मैं भी बड़ा मुंह छोटी बात नहीं चाहते। तुम निकल जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, मैं जा तो रहा हूँ जान, लेकिन याद रखना मैं ये नकली लेबल निकाल कर ही रहूंगा, चाहे मुझे झाड़ू मारना पड़े या पापड़ बेलना पड़े। तुम पापड़ ही बेलोगे। फिर बताऊंगा, पहले तुम लोग बाहर को कहीं ले जाओ और उसे कैद कर दो। जल्दी जाओ और सुनो,
कितना कि उसने मेरी शादी पर गंदा फसाद कर, इसलिए तुम लोग सब वहां पहुंच जाना। मगर हम सब लोग अंदर कैसे दाखिल होंगे? गाने बजाने वाली पार्टी के बहाने चोर बाजार से मैं एक ऐसा आदमी लेने वाला हूँ जो दुश्मन का खून पी जाएगा, वो तुम्हें दरवाजे पर मिलेगा। चुपके से उसके कान में टिम्बकटू कहना और वो तुम लोगों को मुनासिब जगह पर बिठा देगा। टिम्बकटू जाओ, जल्दी जाओ। आंखें नहीं है, देख के चलो। बक बक ना करो, है देखिए ना देखिए, सारी मर्जी सारी अखियां आएंगी। तू आया पूछने वाला? तुम तो खाम खा लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठहरो, पैदल सुनता जा, असी लड़ते नहीं है, असी तो खाम खा खत्म कर देते। पंजा खून कीते पंजा, और वो भी बड़े सस्ते। हाँ, नौकरी करोगे? सिर्फ कत्ल करांगे, नौकरी नहीं। मुझे एक चौकीदार की जरूरत है, और उससे किसी को कत्ल ही करवाने का काम लेना है, करोगे? अरे जरूर करांगे भाई, ये तो साडा पेशा है। कत्ल एक भाई साड़ी एक शर्त है जी। वो क्या? ये साडा भरोसा नहीं है, असी किसी को भी कत्ल कर दीजिए, किसी को असा को संभालना होगा। जरूर संभालूंगा, जरूर जरूर संभालूंगा भाई। तो चल फिर। ये लीजिए चाबी, उस औरत को उस कोठरी में बंद कर दिया। शाबाश। और मैं क्या जी, उन्हें कत्ल क्यों नहीं कर देंगे? ये काम तुम्हारा है। एगल है तो लाओ चाबी। लो, तोड़े बाद उन्हें कत्ल कर देंगे। क्या? ए, साड़ा साड़ा मतलब सी तोड़े शादी के बाद उन्हें कत्ल कर देंगे। तुम हंसो ना आपा, हंसो ना। कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, ऐसी मेहंदी हमें भी लगा दो ना आपा। चुप कर, अल्लाह करे ऐसी मेहंदी कोई ना लगाए। जा, चली जाओ यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। पहले तुम हंसो। हाँ हंसो, हाँ, पहले हंसो ना आपा। हंसो आपा, मैं कहती हूँ चली जाओ, जाओ। चलो, आपा नाराज हो रही हैं। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना, तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं किसी दुश्मन। हमें अफसोस है कि हमारे कलाकार चांद साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से हम आपको उनका बाकी प्रोग्राम नहीं सुना सकेंगे। अब शास्त्रीय संगीत सुनिए। मुझे माफ कर दो चांद, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जमीला, जो तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ हुई, लेकिन अच्छा किया जो आ गई। तुम्हारे दीदार हो गए, अब जान आराम से निकल जाएगी। हाय अल्लाह, ऐसा ना कहो। इन नाजुक हाथों में इतनी ताकत कहाँ जो वफा का दामन थाम सके। ये तुम मेहंदी के ही काबिल थे, मेरी नजर न लगे जमीला। मेहंदी क्या रंग लाई है? ये मेहंदी नहीं, मेरे अरमानों का खून है। ऐसा ना कहो, ये घड़ी तुम्हें मुबारक हो जमीला। दुल्हन बनकर डोली में बैठो, हंसी खुशी अपने घर जाओ, मगर कहारों से कहना कि डोली का रास्ता बदल कर जाए, कहीं मेरे जनाजे का साया तुम्हारी डोली पर न पड़ जाए। जनाजे का साया जनाजे पर ही पड़ेगा, डोली पर नहीं। एक की जगह दो जनाजे निकलेंगे। जमीला रो नहीं, जमीला जमीला, मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हें क्या कह गया। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारे अब्बा जान को यूसुफ की असलियत का पता लग जाए, लेकिन काश मैं बाहर को ला सकता। कौन बाहर? यूसुफ के गुनाहों का जिंदा सबूत।
चांद, चांद खुदा के लिए उसे किसी तरह ले आओ। किस तरह लाऊं? कहां से लाऊं? तुम अब जाओ जमीला, तुम्हें देर हो रही है। अगर तुम्हें किसी ने यहां देख लिया तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी जमीला। जाओ जाओ जमीला। खुदा लड़की के तेरे ससुराल वाले जो तुझे ढूंढ रहे हैं, जी चाहता तेरा खून पी जाऊं। खान बहादुर साहब आप कुछ मत कहिए, मैं बेटी को समझाती हूँ। बेटी, यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो। है तो इनकी बहन का बेटा, मगर मैंने 3 साल तक अपने शेखू से ज्यादा बढ़कर उसे अपनी गोद में पाला है। हमारा शेखू तो नहीं रहा, हम सबका चश्मो चरा, वही एक यूसुफ है। आपका बेटा है? नहीं जी, ये इनकी बहन का है। हमारा बेटा तो ये है शेखू। खान बहादुर साहब, मांग रही थी कि मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा कर सकूं। हम सब जानते हैं बेटी, हमसे बढ़कर बदनसीब बाप कोई नहीं होगा। हमने अपने जिगर के टुकड़े के लिए जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान कर दी, फिर भी हम तुम्हें खुश न कर सके। बेटी, तुम्हें माफ कर देना। ऐसा ना कहिए अब्बा जान, मैं बहुत ही खुश हूं। आप मुझे खुशी खुशी रुखसत कीजिए। बेटी, हम अपने सीने पर पत्थर रखकर तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। आज के बाद हम तुम्हारे लिए पराए हो जाएंगे, लेकिन हमारी इज्जत इसी में है कि तुम अपने शौहरी को अपना ईमान समझो। जहां जा रही हो वहीं की होकर रहो। मैं वादा करती हूं अब्बा जान कि जहां जा रही हूं वहीं की होकर रहूंगी और कभी लौटकर आपसे शिकायत करने नहीं आऊंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। हेलो जमीला, तुम्हारी सहेलियां आ गई। बेटी, तुम सब जमीला को बाहर ले जाओ। आओ जमीला। चांद, 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 तुम कहाँ हो? चांद, तुम कहाँ चली गई थी चाची? कुछ ना पूछो बेटी, पहले बताओ मेरा चांद कहाँ है। आओ मेरे साथ में ले चल। बताओ, बताओ मेरा चांद कहाँ है?
मस्त नजर गर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर सलाम हो जाए, पर्दा उठ के सलाम हो जाए, पर्दा उठ के सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए। बादल में छुपेगा कैसे, उसने आंचल में छुपेगा कैसे, चांद बादल में छुपेगा कैसे, उसने आंचल में छुपेगा कैसे, मैं हूँ बेताब तुम हो बेताब, क्यों न दीदारे आम हो जाए, तुझको सलाम। इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए, इश्क बदनाम ना होने पाए, शौक ना काम ना होने पाए, जुल्म और पर कर चुके अगर अब मोहब्बत का नाम हो जाए, पर्दा उठ के सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए। गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है, दिल पे गैरों का इजारा क्यों हो, ये सितम हमको गवारा क्यों है, सैकड़ों हम सह चुके हम, अब यक साथ तमाम हो जाए, पर्दा उठ के सलाम हो जाए, बहुत बात बन जाए काम हो जाए, क्या जरूरत है, मैं अभी से धक्के मारकर बाहर निकाल देता हूँ, चला।
खबरदार तू मुझे हाथ लगाया तो ये ऐसे नहीं मानेगा। निकल जाए यहां से, मैं गोली मार दूंगा। इस गोली को सीने से लगाने के लिए तो यहां आया हूं नवाब साहब, देखते क्या। मारिए ना गोली, मारिए नवाब साहब। हेरी नवाब साहब, हेरी, अपने हाथों से अपने खानदान का चिराग बुलंद कीजिए। ये आपने का बेटा है। है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं आपके यहाँ आया की नौकरी के लिए आई थी। भाई के जान के बगैर नहीं जा सकते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। भी कुछ करो, सुनो, हम भी इजाजत दे दो कि रजिया को अपने पास रख लीजिए। तुम मैंने नहीं जान दो, मैं तोड़ा भतीजा आएगा, भतीजा बशीर, बशीर बशीर, बशीर।
क्या उपहास बशीर, तुमने वाकई कमाल कर दिया। लेकिन For more updates, like, comment, subscribe to our channel.